पेंटिंग या नक्शीकंथा यहाँ के फोक आर्ट में शुमार होता है, जो कि यहाँ का रिवायती आर्ट वर्क है। इसके अलावा भी दो और तरह की भी वॉल पेंटिंग्स हैं, जैसे कि गाजीपथ और दूसरी है दीवाल चतरा। गाजीपथ जो है वो एक टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग है, जिसमें गाजी पीर जो यहाँ के बड़े नामी माने हुए पीर हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड है, और इसको दीवारों पर तस्वीरी सूरत में बनाया जाता है। और ये सारा जिसमें गाजी पीर की जो मौजजात हैं उनकी कहानियों को तस्वीरी सूरत में बनाया जाता है, जैसे कि गाजी पीर टाइगर पर बैठे हैं या फिर कुछ मिथोलॉजिकल एक एक्वेटिक एनिमल है उस पर एक देवी बैठी हैं। इस किस्म की चीज़ें तस्वीरी कहानियों की सूरत में दीवारों पर बनाई जाती हैं। दीवाल चतरा जो है उसमें भी देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती हैं, और उसका मकसद ये होता है कि घरों को ये देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो बलाओं से, हर किस्म की आफतों से और मुसीबतों से हिफाजत करती हैं ये तस्वीरें उनकी, और बड़ी उनको मुकद्दस और अकीदत से बनाया जाता है। गाजीपथ में और भी सीन्स और मोटिव्स इंक्लूड होते हैं, जैसे गंगा की देवी राइडिंग द मकरा, यानी कि वो मिथोलॉजिकल एक्वेटिक एनिमल पर बैठी हुई हैं जो कि पानी की बला हैं और पानी से गुजर रही हैं। एक और गाय ने शेर को तो पहुँचा हुआ है, कुछ इस किस्म की भी कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा लाइक लक्ष्मण रॉय ऑल्सो रिगार्डेड एज अ किंग ऑफ टाइगर होल्डिंग अ माल्ट इन हिज हैंड, यानी लक्ष्मण रॉय जो यहाँ के एक पुराने राजा माने जाते हैं, उन्होंने हाथ में एक लकड़ी का एक हथौड़ा कह लें या उसे हैमर कह लें वो पकड़ा होता है, वो भी इन्हीं तस्वीरी कहानियों में आपको नज़र आएगा। बांग्लादेश की फूड हैबिट रिफ्लेक्ट करती है यहाँ के लोगों के ज्योमेट्रिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को, और साथ साथ यहाँ के सोशल और रिलीजियस कस्टम्स को। यहाँ की मिट्टी शराब होती है दरियाओं के पानी से, बारिशों के पानी से, बहुत ज़्यादा जहेज़ है, इसलिए यहाँ पे यहाँ का इट्स वेरी फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड फिशिंग। यहाँ पर बेशुमार सैकड़ों टाइप्स के चावल मिल जाते हैं ड्राई एंड वेट सीजन्स, दोनों सीजन्स में, और फिश मिलती है सैकड़ों की टाइप्स में। यहाँ के रिवर्स, होर्स, बोर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इवन द बे ऑफ बंगाल, हर जगह पर बहुत ज़्यादा फिश मिलती है। और जहाँ तक बात आती है चावलों की, तो बांग्लादेश की खुराक में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, उनका तो डेली ब्रेकफास्ट ही चावल है। एक आम मजदूर हो जाए, किसान हो जाए या माहगीर हो जाए, अपने दिन का आगाज़ जो है वो चावलों के नाश्ते से करता है, जिसे पेंटा कहते हैं। और वो चावल इस तरह से खाए जाते हैं कि बॉयल जो प्लेन बॉयल राइस होते हैं उनको पानी में डिप करके रख दिया जाता है, और रात भर पड़े रहने से उनमें एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, यानी जैसे हम खराब चावल कहते हैं खट्टे हो जाते हैं, उनमें से खमीर निकल आता है, और वो उन चावलों को डेली ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हर सालन के अंदर मछली का इस्तेमाल किया जाता है, और भरता भी मछली का ही खाया जाता है। ऑब्जर्व किया है कि उनके खाने का स्टाइल कैसा होता है, वो यहाँ पर हाथ से खाते हैं, और जैसे कि दाल को मैंने बताया था कि मुगल डिश है, और ये पॉप राइस हैं, बस फिश है, इसे मिक्स करके हाथों के साथ
अगर यहाँ पे मैं जो लोगों को, जैसे कि मैंने लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा हाथ गंदे करके खाना खाते हैं, और वैसे ऐसे मज़ा भी बहुत आता है, और यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि जब तक हाथ गंदे ना हो और जब तक इस तरीके से खाना ना खाया जाए, स्पेशली चावल इस तरीके से ना खाया जाए, तो वो उन्हें मज़ा आता है।